ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हम कितने भाग्यवान हैं जो ब्रह्म लोक से स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। हमारे परम पिता हमारे परम शिक्षक बनते हैं और परम सद्गुरु बनते हैं, तो हमें उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। जिस भगवान की मूर्तियों को भी हम भक्ति मार्ग में रिगार्ड देते आए, उसका हमें कितना रिगार्ड करना चाहिए जब वो हमारे सम्मुख आ गया है, जब वो हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझाने आ गया है। जन्म जन्म जिस अंधकार में हम डूबे हुए थे, उसने आकर हमें उस अंधकार से बाहर कर दिया है। हमें सत्य की खोज थी, क्या क्या नहीं करते थे हम सत्य को जानने के लिए, जिसने हमारे सत्य के द्वार खोल दिए, हमें दिव्य विवेक प्रदान किया, संपूर्ण ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना दिया, चारों युगों में देखने की दृष्टि दे दी, हमारे आदि मध्य अंत की रोशनी प्रदान कर दी। ऐसे परम शिक्षक का हमें कितना रिगार्ड करना चाहिए, और ये रिगार्ड है उसकी पढ़ाई से रिगार्ड, उसकी पढ़ाई का रिगार्ड, उसकी मुरली का सम्मान, उसके महावाक्यों में संपूर्ण विश्वास। जो उसने कह दिया वही परम सत्य है, ये भी उसको रिगार्ड देना ही है। और यदि हम ये सोचते हैं बाबा ने ऐसा क्यों कहा, बाबा ने ऐसा क्यों कहा, तो ये उसका डिसरिगार्ड है। इसका अर्थ है हम उसके ज्ञान को, उसकी शक्तियों को, उसके परम सत्य को पहचानते नहीं हैं। हमें परम सद्गुरु का भी रिगार्ड करना है। दुनिया में तो गुरुओं का कितना सम्मान करते हैं, चाहे डर से करें, चाहे इस इच्छा से कि गुरु हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। और ये तो वो गुरु है जो आते ही मुक्ति और जीवन मुक्ति को हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बना देता है, जो आते ही वरदानों से हमारा श्रृंगार करने लगता है, जो अपनी समस्त शक्तियां हमें प्रदान करता है, जो अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, सब हमको दे देता है। ऐसे परम सद्गुरु का हमें कितना सम्मान करना चाहिए, और उसका सच्चा सम्मान ही है उसकी आज्ञाओं पर चलना। यदि हम उसके महावाक्य सुनने ही नहीं जाते तो हम उसको सम्मान कैसे कहेंगे। यदि हम सवेरे उठकर उससे मिलन ही नहीं मनाते तो हम कैसे कहेंगे कि हम उसका बहुत सम्मान करते हैं। यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, वो आज्ञाएं जो हमारे ही कल्याण के लिए हैं, जो हमें महान बनाने के लिए हैं, जो हमारे जीवन में सुख शांति शक्ति और सफलता का द्वार खोलने वाली हैं, उन आज्ञाओं पर यदि हम नहीं चलते तो क्या हम अपने को उनका आज्ञाकारी कह सकेंगे। तो आज से चेक करें कि भगवान के आने से पहले हम उसकी मुरली में पहुंच जाएं, यानी टीचर के आने से पहले। आप शायद कई बहाने करें, लेकिन जहाँ सम्मान है वहाँ बहाने काम नहीं करते। हम उसके एक एक महावाक्य पर कुर्बान होने का संकल्प कर लें, कह दें बाबा को जो आपने हमें कह दिया हम उसे भी सोना खूनों का जोड़ लगाकर पूर्ण करेंगे। कोई भी शक्ति हमें उससे विचलित नहीं कर पाएगी। ये है बाबा का रिगार्ड। और जो इस तरह बाबा का रिगार्ड करेंगे, बाबा उन पर अपनी दुआएं आशीर्वाद और वरदान लुटा देंगे। इस बात को हम सब समझ सकते हैं। गुरु का जो बहुत सम्मान करते हैं, वे गुरु का प्यार पाते हैं, उनकी दुआएं पाते हैं। तो हम सभी
आज सारा दिन याद रखेंगे बाबा हमारा परमपिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु है। हम ऐसे भाग्यवान हैं जिनको पढ़ाने भगवान आए, जिनके गुरु स्वयं भगवान बने, जो अपना सब कुछ हमें देने आए। और बाबा का 5 बार कम से कम सारे दिन में आह्वान करके फील करेंगे, उसका आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। ओम शांति।